गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसीबीएम पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है और हम पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे और पीरियोडिक टेबल में हमने तत्वों को याद करने का तरीका सीखा। इसके बाद तत्वों के एटमिक नंबर, परमाणु क्रमांक किस प्रकार से निकाले जाते हैं वो भी हमने पिछली क्लास में सीखा और आज की क्लास में हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंड के, पावली के अपवर्जन सिद्धांत, N+L का नियम, इन सब नियमों की सहायता से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना है। इनकी विस्तृत चर्चा हमारे चैप्टर के अंदर आएगा जब हम करेंगे, लेकिन किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा जाता है तो रेडी बताओ तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पावली का अपवर्जन नियम है, जिसके अंदर सबसे पहले बताया जाता है 1s, 1s के बाद में 2s, 2p, 2p के बाद में 3s, 3p। इस प्रकार से पहले तो आप इन ऑर्बिटल्स को सेट कर लो, एक एक क्वांटम संख्या बढ़ते हुए 1s, फिर 2s वाली लाइन, फिर 3s वाली लाइन, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, फिर आता है 5s, 5p, 5d, 5f, फिर आता है 6s, 6p, 6d। इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहेगा, 7s, 7b, इस प्रकार से चलेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के अंदर ये रो क्रम ध्यान रखना, 1s, 1s के बाद में 2s, 2s के बाद में 2p, 2p के बाद 3s, फिर आएगा 3p और 4s, फिर आएगा 3d, 4b, 5s, फिर आएगा 4d, 5b, 6s। इस प्रकार का ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का पढ़ने के। सबसे पहले ये पावली के अपवर्जन सिद्धांत के नियम पर आधारित काम करेगा आपको, कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन बनाया जाता है वो 1s ऑर्बिटल में बनाया जाता है, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, इस प्रकार से 4s, 5d, 6p और इसके नीचे आएगा 7s। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को बढ़ने का क्रम है। इस प्रकार तो इलेक्ट्रॉनों या ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कक्षा। ऑर्बिटल्स सीधा मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कक्ष को बढ़ने का क्रम, देखो इसके अंदर से देखते जाओगे सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल है 1s, तो सबसे पहले हम कौन सा ऑर्बिटल बनेंगे 1s, 1s के बाद में अगला नंबर देखो किसका है 2s, तीन के चिन्ह जैसे चल रहे वैसे देखो 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p और 2p से क्या आ रहा है 3s, तो 2s के बाद 2p और 2p से 3s, नेक्स्ट लाइन देखो 2p हो गया, 3s हो गया, अब नंबर किसका है 3p, 4s, 3p, 4s,
5s. फिर इसके बाद 4d 5p 6s 4d 5p 6s. इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरने का ऑर्डर है. आप ध्यान रखना है ऑर्डर इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरना. इसके बाद दूसरी चीज, जब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कितने कौन से कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो आपको ध्यान रखना है, एक तरफ लिख रहा हूं मैं कक्षक या उपकोष और एक तरफ लिख रहा हूं अधिकतम इलेक्ट्रॉन. अधिकतम इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं. तो ध्यान रखना एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन. एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो ऑर्बिटल आते हैं. पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. डी ब्लॉक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन. चार चार का विकल्प ध्यान रखो, दो और चार 6 और चार 10, 10 और चार 14. तो एस पी डी एफ कक्षक में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं. एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं. पी कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं. डी कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं. और एफ कक्षक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं. ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए. और जब तक ये हमें पता नहीं है हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं ले सकते. ध्यान रखना पावली के अपवर्जन के सिद्धांत के अनुसार तो इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है. और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का एनर्जी का ऑर्डर है, ये कम ऊर्जा का होता है, इससे अधिक ऊर्जा का, ये इससे अधिक ऊर्जा का. तो जिस प्रकार से ऊर्जा बढ़ती जाएगी उस कक्षक को हम सबसे पीछे बढ़ते रहे, अर्थात इस कक्षक से ज़्यादा ऊर्जा इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, तो ज़्यादा ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी बढ़ती जा रही. तो ये उस कहता है जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले बार आ जाता है, और जिस कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में बार आ जाता है. फिर हमने पता किया कि हमने ऊर्जा के आधार पर सेट करिए कक्षकों को, अर्थात सबसे पहले कम ऊर्जा बने इसलिए तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा, वनस ऑर्बिटल भरा जाएगा. वनस के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3b, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5s, 5p और फिर 6s. हमको दूसरी चीज ये याद रखनी है कि कौन से ऑर्बिटल से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं. तो s ऑर्बिटल
तो अपने ऊर्जा के जो क्रम में लिखाया था मैंने ऑर्बिटल्स के क्रम लिखाए थे उसमें सबसे पहले कौन सा कक्षक बताया था 1s एक कक्षक था देखो अपनी कॉपी में ऑर्बिटल्स के अंदर मैंने बना के बताया था ये 1s है ये 2s है ये 2p है ये 3s है ये 3p है ये 3d है ये 4s 4p 4d है तो ये ऑर्बिटल या एनर्जी कक्षकों को भरने का क्रम बताया था 1s 1s के बाद 2s 2p 3s 3d 4s 3d 4p और यहां 5s सबसे पहले आप कौन सा ऑर्बिटल बोलोगे 1s और ध्यान रखना जितना परमाणु क्रमांक होता है कक्षक का उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन अर्थात हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन भी s कक्षक के अंदर पाया जाता है यदि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते तो s के कितने बढ़ते 2 नंबर पे आता है हीलियम H3 हीलियम अब मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है वही 1s और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2 अर्थात इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे कौन सा ऑर्बिटल में भर दिए 1s क्योंकि s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां 1 इलेक्ट्रॉन था इसलिए एक बार इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए फिर इसके बाद 3 नंबर पे आता है कौन Li लिथियम अब हमें इसका ऑर्बिटल बनाना है ऑर्बिटल कैसे बनेंगे इसका परमाणु क्रमांक है 3 तो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन्स की कितने होंगे 3 ही होंगे अब 3 इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम क्या है सबसे पहले तो कौन सा ऑर्बिटल भरेंगे 1s ऑर्बिटल भरेंगे 1s ऑर्बिटल के अंदर हम देखेंगे कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन क्या हम s कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं क्या मैंने आपको अभी जो लिखाया था उसके अंदर बताया था छह इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं डी कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं एफ कक्षक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बताया था अभी तो आप मुझे बताओ कि इस एस कक्षक में मैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूं तो इस एस कक्षक में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 भरने हमको 3 पे भरे 2 है अब इस ऑर्बिटल में आ नहीं रहे तो जब एक रुपये को कोई सामान नहीं आ रहा तो मैच कर लगा सामान रखने के लिए 1s के बाद नेक्स्ट नंबर दूसरा आता है 2s का तो 1s के बाद दूसरे ऑर्बिटल की बात करें हम कौन सा ले लिया 2s 3 भर गए थे 3 इलेक्ट्रॉन के लिथियम के बाद जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए कितना ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और फिल कर दिया इसके बाद 4 नंबर पर आता है हमारा क्या बेरिलियम यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई 4 तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 1s कक्षक में ही आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन हमने 1s में भर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ जाएंगे 2s के अंदर तो 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 4 हो गया बेरिलियम के बाद 5 नंबर पर कौन आता है बोरॉन 5 नंबर पर कौन आएगा भैया बोरॉन अब इसको कैसे भरें इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने भरे हैं हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमने सबसे पहले तो 1s कक्षक लिया 1s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 आ सकते हैं 1s के बाद हमने कौन सा लिया 2s 2s में भी कितने आ सकते हैं 2 अब बताओ 1s भर गया 2s भर गया 1s भर गया 2s भर गया इसका नंबर है 2p का हमें इलेक्ट्रॉन भरने थे 5 और अभी तक कितने भरे हैं 4 क्योंकि s में अधिकतम 2 2 आ सकते हैं ना अब 1s के बाद 2s के बाद किसका नंबर आएगा 2p ऑर्बिटल का किसका आएगा 2p
नाइट्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास वही है, सात इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं हमको, तो सात इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 3। दो और दो चार और तीन सात। ध्यान रखना p में अधिकतम छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए हम 2p3 भी करेंगे, 2p4 भी करेंगे, 2p5 भी करेंगे, 2p6। लेकिन p के अंदर कभी भी 7 नहीं हो सकता, क्योंकि p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद 8 नंबर पर चर्चा करेंगे हम इसकी। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है भैया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो क्या होगा, सभी मानों को चेक करना, 1s2 2s2 2p4। और दिक्कत हो गया, दो और दो चार और चार कितने हो गए, 5। फिर 9 नंबर पर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो खुद लिखने की कोशिश करोगे आप कितने तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, फिर मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताऊंगा। तो लिखना स्टार्ट करो, एक बार खुद लिखने की कोशिश करो नेक्स्ट आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर लिखने के बाद चेक करते रहना। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप उनसे मैच करना कि अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है या गलत। तो ये 9 तक के हो गए, 9 के बाद 10 से कंटिन्यू कर रहा है, लेते रहो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वेरी गुड, लेते रहो लिखते रहो, और इस प्रकार से मेहनत करते रहोगे तो आप एक दिन अपनी सफलता की सीढ़ी को जरूर चूमोगे। लिखा है थोड़े को, चलो जहां तक पहुंचे वहां तक चेक करोगे। 9 के बाद 10 नंबर में एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। 10 पर कौन आता है, नियॉन। 10 पर कौन आता है, नियॉन। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना स्टार्ट करेंगे, 1s2 2s2 2p। दो और दो चार और छह कितने हो गए, 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 11 नंबर वाले इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखें, 11 पर कौन आता है, एने। एने का मतलब कौन, सोडियम, और सोडियम का कैसे लिखेंगे, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया। तो क्या मैं इसको 2p7 कर दूं क्या, है नहीं, क्योंकि p के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 ही आ सकते हैं, तो 6 ही आएंगे इसके। लेकिन अभी तो 10 ही है, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना है, क्योंकि परमाणु का मास 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। तो आप देखो 1s बढ़ दिया, 2s बढ़ दिया, 2p बढ़ दिया, इसका नंबर है 3s का। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 3s1 हो गए। 11 के बाद 12 नंबर पर कौन आता है, एमजी बोले तो मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, और 1 के बाद हमने एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ दिया। अब काउंट कर लो, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 कितने हो गए, 12। इसके बाद 30 नंबर पर एल्यूमिनियम। अब इसको किस प्रकार से बनेंगे,
थ्री पी का इसका नंबर आएगा थ्री पी का, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट रखेंगे थ्री पी वन। वापस हम लोग हमें 13 इलेक्ट्रॉन बढ़ने थे, ये स्ट्रक्चर में दो ही आ सकते हैं, दो बढ़ती है, इस स्ट्रक्चर में दो ही आ सकते हैं, दो बढ़ती है, बी स्ट्रक्चर में छह आ सकते हैं, छह बढ़ती है, स्ट्रक्चर में दो आ सकते हैं, दो बढ़ती है, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ही बार जबकि बढ़ने कितने थे 13, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का हमने फिर करने के लिए नेक्स्ट ऑर्बिटल लिया कौन सा आएगा 3d, और 3d के अंदर वन इलेक्ट्रॉन जब हमने फिल किया तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन हमने संख्या बढ़ने से 2s2 2p6 3s2 3d1। इसके बाद नेक्स्ट 14 एटॉमिक नंबर की हम बात करेंगे सिलिकॉन, इसका एटॉमिक मास किस प्रकार से लिखेंगे हम, वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी टू, क्योंकि पी के अंदर कुछ छह आ सकते हैं पी टू कर दिए, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15 पर क्या है फास्फोरस, फास्फोरस पहले तो विन्यास हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो थ्री पी टू की जगह क्या कर दिया थ्री पी, फिर 16 पर कौन आ जाएगा सल्फर, वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी थ्री की जगह क्या कर दिया थ्री पी फोर, हम कर लो 16 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 और 2 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 4 16, ये 17 नंबर पर कौन आता है क्लोरीन, क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 p5 वाले इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2 लिख दिया 2s2 लिख दिया 2p6
इस प्रकार से नेक्स्ट आपको आगे चलते रहना है। 22 नंबर पर आता है टाइटेनियम, तेईस नंबर पर वैनेडियम, चौबीस नंबर पर क्रोमियम, पच्चीस नंबर पर आता है मैंगनीज, छब्बीस पर आता है फेरस या आयरन, सत्ताईस पर आता है कोबाल्ट, अट्ठाईस पर आता है निकेल, उनतीस पर आता है कॉपर और तीस पर आता है जिंक। 29 पर कॉपर और 30 पर जिंक, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, ध्यान रखना है इसमें दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मत लिखना, वो एक्सेप्शनल है थोड़े से, एक तो क्रोमियम वाला और एक 29 नंबर का कॉपर वाला। 29 नंबर पर कौन आता है कॉपर और 30 पर कौन आता है जिंक, तो 29 वाला और 24 नंबर वाले में दोनों में कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने में एक्सेप्शन, उसको हम आपको समझा देंगे कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शेष बच्चे हैं जिनको आपको फिल करने, मैं आशा करता हूँ कि आपके टॉपिक समझ में आया होगा और आपको दिया हुआ होमवर्क भी आप बड़ी ईमानदारी से और सज्जनतापूर्वक क्या करोगे, करने की कोशिश करोगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ इतने टॉपिक पर चर्चा की, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।